मेरे साथ आगे आगे दौड़ने की कोशिश कर रहा, साथ में तो मैं ही चलूंगी लेके तुझे, हैं? तू केला थोड़ा चला जाएगा भाई, जल्दी बता, नहीं केला मत जाइए, बस आराम से गिर जाएगा, सुन नहीं रहा तुझे, सुन जा रूस, मैं कह रहा मम्मी शोर ना मचाओ, आरुष देखो कितनी दूर जा लिया, आरुष सुन तो जा, ने पिताजी लेके आए थे आरुषि को, आरुषि बहुत देर से जिद कर रही थी पिताजी के साथ में, और ये देखो पहाड़ बता रहा है इसे, ये देखो कैसे कर रहा, आरुषि क्या क्या करा तन्ने यहाँ के जब से, हैं? कीड़े पकड़ रही, यहाँ तो कहीं खेलने की जगह भी नहीं है, क्या कर रही तू, हैं? फार्मिंग करेगी, कहीं की करोगे फार्मिंग, देखो पिताजी कुछ करना आके इस पे फार्मिंग करागा कि ये हो, कीड़े पकड़ रही, कीड़े पकड़ रही, ओ लुल्लू है ही तो, ये देखो ये पकड़ लिया लुल्लू इन्हें, दिख रही हो, देख ले वो लेडी बग, लेडी बग, अच्छा जी थे ना, हर चीज के नाम याद है, हम तो लुल्लू बता दे, जो भी जानवर होगा उसका नाम बता देगा, देखो इसने बता दिया, तो पता नहीं था भाई ऐसा ना फेंका करे तू, हाँ बदी करे यहाँ के ज्यादा जब तो इनका आने को जी करे, आपके आते ही एकदम रोन लगा, ये देखो अब कितनी जल्दी से दौड़ के भागेगा, ओ भाई मान जा चोट लग जाएगी, किसी की बात नहीं मानता बिल्कुल भी, पिताजी देख लो सुन नहीं रहा भी फेंक रहा है डले, इसमें थोड़ा बच जाएगा, हाथ में पकड़ लिया, भोलेनाथ की शादी तेरे पे तो आवे, तू नाच ले खुद, मेरी भोलेनाथ की शादी हो जाती लेडी बग को पकड़ लिया था, अच्छा गिरा दिया नीचे, नीचे गिराया लेडी बग को पकड़ लिया, नीचे गिरा दिया, अच्छा यहाँ खेलने में ना बहुत मजा आवे मिट्टी में, काम कर लिया स्कूल का, हा? ट्यूशन का, इसे तो मिट्टी में चलना भी नहीं आता है, मिट्टी में ही तो चला है यहाँ, बरसीन में हुआ है ज्यादा, जब नंदनी को पता चला गा ना तुम यहाँ आ रहे, बहुत रोवेगी वा, नहीं तो कह रही बहुत रोवेगी, घेर में जा लिया अकेले अकेले, नहीं पिताजी उठी नहीं अभी, की निगरानी करते रहते हैं यहाँ के, खतरों खिलाड़ी है तू, जिस दिन लग जाएगी ना थोड़ी बहुत उस दिन सारे खतरे निकल जाएंगे, ये देखो बस कर खतरों खिलाड़ी, देख जा रही खतरों खिलाड़ी तो दौड़ती ही पूरी तेजी से, देखो जा रही, ये जा रही कुत्ते भागे हुए जा रहे, खतरों खिलाड़ी कुछ दिख रहा उन्हें वहां से, क्या दिख रहा पता नहीं, क्या दिख रहा वो नहीं पता होगा, दिख रहा क्या, कुतिया का पिल्ला, हाँ उसका नहीं है क्या वो, कौन सी का, रोक्सी का भाई, अच्छा रोक्सी का भाई, हाँ। पिताजी खड़े खड़े थक लिए सारे चक्कर में, देख चलो अभी जा बस ना, ये देखो पैर दबाने शुरू कर देगा यही सी सारी थकान खत्म कर देगा यही है, सारी थकान खत्म कर दी क्या, क्या बनेगा भाई यहाँ, अरे और काम चालू तो करवा यहाँ, थोड़ी देर में है? थोड़ी देर में आ जाएगा, क्या काम हो जाएगा थोड़ी देर में, हाँ। पिताजी तो पूछ का एक दिन में, एक मिनट में आज ही हो जाएगा काम, तो पाँच चार दिन में हो जाएगा भाई, ये तो आज ही कर देगा सारे काम शुरू, ये देखो चलो जी दिन सची पूरा, वैसा तो खाना बनवाना था मुझे लेकिन इसे छोड़ने के लिए आई थी यहाँ ना रास्ते में बीच में, वैसे तो थोड़ी दूरी पे लेकिन एक कुत्ता ना काट लिया बच्चों का चिपट जाओ, इस वजह से फिर इसे अकेला भेजने का मन नहीं करा, दोनों के दोनों पूरी शरारत कर रही, चलो जी मैं तो चलती हूँ घर, पिताजी इन्हें लेकर आ जाइए आराम से, जो ये चोट फेट ना खावे, देखो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इनका दोनों ऐसे ही है, एक घंटे में क्या करेगा यहाँ, दिन छिप जाएगा, गिद्दड़ आ जाए घंटे बाद तो यहाँ ईख में से निकल का आओगा, हाँ भूत भी आ जा, सही कह रही, देख देख बंदर महाराज भी है, आज इन्होंने बहुत नुकसान कर दिया, दावत दे तो दी तुमने, दावत लेन आ जाइयो गई हो
और आगे ने कबूतरों के अंडे फोड़ दिए इन्होंने। मैं तो आ गई, कोई सा बच्चा मेरे साथ में नहीं आया। मैंने सोचा मैं तो एक आधा घर का काम करवाऊंगी। और ये देखो गुड्डू, आज ही ठीक हुई है साइकिल, इसे तोड़ा ना आज, इसका पंचर सही करवाया। नई साइकिल ला के दो गई है इसकी। बस अब तो स्कूटी चलाने लायक होगी, बुलेट चलाने लायक होगी। तो पहले साइकिल तो ला दो, बुलेट जब ही दे रहा है। इसके टायर में पंचर हो रहा था, सारी ट्यूब कट रही थी इसकी। मेरी साइकिल छोटी होगी, नहीं साइकिल छोटी नहीं हुई, मैं बड़ी होगी। ये पर्दे डाल दे, बहुत ज्यादा मच्छर आ रहे इस टाइम। बहुत सारे तो मेरे साथ साथ आगे होंगे, सिर पर बहुत चिपट गए थे मेरे तो वहां से घेर में। अरे तो आने का नाम नहीं ले रहे बिल्कुल भी, दोनों के दोनों। आज डोगरों नहीं उठ रहा, सारे के सारे उसे आवाज लगा रहे। आज दिन भर की सो रही वाह। आज ठीक हो गया यार उसकी साइकिल, अरविंद भैया ने करवा दी। और ये देखो धनिया हो गया भाई, खिजागी जो खाड़ा ना कोई से बच्चे ने बंची निकल ले तो मेरे हाथ से वैसे सारी चीज हो जा, लेकिन बाद में खराब हो गए। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, इतने सारे टमाटर के पौधे लगा दिए मैंने, मतलब इतनी छुपाई हुई चीज नहीं छोड़ रहे, घोंसले में देवे अंडे, तो टमाटर और ये पेड़ पौधे कैसे छोड़ देंगे ये सारी। ऐसे बोल रही मैं बंदरावन जाऊंगी वृंदावन को, या बिंदरावन जाऊंगी बिंदरावन नंदिनी। ये इतनी मेहनत करी हमने इन्हें छुपाने के चक्कर में, क्या करे अब इन बंदरों का। बस जो होना तो हो गया, भाग्य से और अच्छा ट्राई करेंगे। रसोई का ताला लगा दियो ऊपर। आज उन्होंने दरवाजा खुला, पता मैंने देखा वो कुंडा, उन्होंने मेज पे बैठ के ही खुला, बहुत हल्का कुंडा खुला है वो। हाँ वो क्योंकि नया है ना, नया है। धनिया और टमाटर खत्म हो चुके थे तो ये ले लिए हैं, टमाटर भी और धनिया पत्ते भी। और जो धनिया पत्ती हमने पहले मंगाई थी ना, वो बहुत दिन तक चली, अब की बार कल ही एंड हुआ उसका, जब चटनी बनी उसकी हरी धनिया वाली। और ये गोभी सूख गई, नु गए ना फिर उबाल कर फिर बना सके, सूख तो बहुत बढ़िया गई है। की पेपर की तैयारी? हाँ तेरे से पूछ रही मैं, ये पढ़ती नहीं ना दिन में, पढ़ती ना रात को पढ़ती, मुझे कह रही तू तो नहीं पढ़ती, बताइयो मैं सर रात को पढ़ने लगती। उरगवा जल्दी बता, पढ़ रही थी? मुझे लगता नहीं, मगर ज्यादातर टाइम पास करो जान, नहीं बात बना बना के देख रहे थे। ठीक है फिर तो इसका फूल क्यों रहा, इसका मुंह नू फूल रहा, ऐसा घेर में जाने के लिए मैंने इस टाइम मना कर दी थी। फिलहाल प्रीति ने जला दिया है मिट्टी का चूल्हा और यहाँ पर दूध गर्म हो रहा है अभी, और खाने में रोटी और दूध, क्योंकि सब्जी हमारे पास दो रखी है, दोपहर में बनाई थी आलू गोभी। थकी हरी माँ यहाँ पर अब लेटेगी, आराम करेगी। चाय बना दो क्या? मुझे तो वहां रुक के दे रहा था, वो बस से पकड़ाती देख ली थी। किन्ने? सुनील ने। हाँ दे रहे होंगे, कहने लगा हड्डी को बिल्कुल तोड़ के ही रहेगी, मान नहीं रही। सही कह रहे मैं, माँ को कोई कहीं डॉक्टर बताते हैं कोई कहीं, और माँ ना अब परेशान हो रही दर्द में, लेकिन काम करने से मानती नहीं, और बता रही है अपने आप ही को। मुझे तो वहाँ भी गुड्डू के पापा ने रुक के दिए अपने आप ही बता रही। तो चलो जी चाय के बर्तन साफ कर लूँ मैं। हड्डी को बिल्कुल ही तोड़ कर रहेगी। सही कह रहे माँ, में डॉक्टर ने बता रखा। या इसकी तो लग सब सुबह कह रही थी अनु को जी तुम पकड़ा दिखा लो यार, पुलिस का दर्द है, और घंटे ही नस पकड़ के बता देगा किस नस में दर्द है। चलो तो दिखाया हूँ उनको, देसी दवाई दे रहा हूँ। ये अपना कर्ज उतरवा दे, ये 100 रुपए कपड़ों का मिले छठी पूजने में, जो वस्त्र मिले हमें कान्हा जी की छठी पूजी थी, ये निकल गए थे सुबह चाचा को पाए, चाचा को मैंने कह दिया कपड़े दो। परसों माँ ने 1100 रुपए खो दिए थे, माई के हाथों लग गए थे। माई किसके पैसे, किसके पैसे, तो बहुत सारे पैसे। मैंने कहा वो ये तो पता नहीं कभी तेरे पापा के ही इन्हें पैसे ना देख रो। हाँ फिर मैंने कह दिया चाचा को कपड़े धोरी थी, मैं माँ को पकड़ा दो, तो माँ को जब मैंने कह रही मैं कला मेरे 100 रुपए दे दो, सब आ के दूंगी, इन्हें छठी में मिल रहे दो। और इसका इसका इसके 70 रुपए दे दिए थे, कर्जा चुकता कर दिया इसका 70 रुपए का, इन्हें मेरा दिमाग चला दिया 70 रुपए में, लाओ मेरे 70 रुपए। एक दिन मेरे पास छुट्टे नहीं थे, 70 रुपए उधार ले लिए थे। तेरी मम्मी वहाँ जा रही थी, 50 रुपए दिए थे मैंने, मंगाई थी तुमने, ले अभी अभी ले माँ। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। सुबह के 7:30 बज चुके हैं, उधर चिंकी भी जग के आ चुकी है, लेकिन आज इन दोनों को, गुड्डू और चिंकी को, स्कूल नहीं जाना है, छुट्टी है इनकी 3 दिन की, तो इन्हें जाना है अभी 13 तारीख में, कल से मतलब छुट्टी पड़ेगी इनकी। तो बीच बीच में पेपरों के बहुत ज़्यादा छुट्टी है इनकी, गैप है, नहीं तो अब तक तो पेपरों का काम खत्म हो जाता। तो बीच में पेपर होने के बाद 10 दिन की छुट्टी। और ये देखिए, ये आज सवेरे ही जग गया है और बोल रहा है आरुषि को ना मैं सरप्राइज दे दूंगा, मैंने उससे पहले ब्रश कर लिया और जल्दी जल्दी में लगा हुआ है। जब तक आरुषि जगेगी ये रेडी हो जाएगा स्कूल के लिए, और अपना बैग वगैरह
इसने लगा के रख रखा है। अभी मैंने और प्रीति ने पूरे आंगन की क्लीनिंग कर दी है, चूल्हा भी साफ कर दिया, लीप भी दिया है, और जो दूध के चाय के अर्ली मॉर्निंग के बर्तन होते हैं, चाचा जी पिताजी जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं हल्का सा, तो वो साफ कर रही है। और ये गुड्डू आज बड़े आलस में है, खाना जी को जगा के फिर से सो गई थी। चल उठ जा, नहा वाला है तू भी, उन्हें भी नुहाइए हैं, मैं नाश्ता बनाऊंगी, तेरी चाची उन्हें तैयार करेगी। तो इस तरीके से काम करेंगे और बच्चों को स्कूल में भेज देंगे। मुझे ये समझ में नहीं आता गुड्डू, इतनी सारी चीज़ें बनवा दी बैग सेट करने के लिए, फिर भी ये बैग को किसी ना किसी का सोफे पे क्यों पड़ा रहे, क्या चक्कर है? आरू सार उसी के तो है, ये क्यों रखे रहे हैं सोफे पे? हाँ भाई, काम हो रहा तेरा स्कूल का? ठीक है। कौन कह रही हूँ? चिंकी ऐसे नहीं बोलते। और आज नंदनी थोड़ा सा लेट है उठने में, गुड मॉर्निंग कर दो सबको। कैसे हो आप सब? देखो अभी जवाई ले रही है, अभी अभी जगी है, 8:15 बज गए हैं, आज लेट है उठने में, नहीं तो बहुत जल्दी उठ जाती है। लेट भी नहीं है, बहुत जल्दी उठ गई थी, लेकिन दूध पीने के बाद में फिर सो गई थी, तो सोने का सेशन इसका दोबारा चला है फिर से। ये चिंकी क्या कहती है आपको? तेरे पापा तो ड्यूटी भेज दूंगे। तेरे पापा को ड्यूटी भेज दूंगे? हाँ, फिर टाइम है। अच्छा, तेरे पापा तो ड्यूटी नहीं भेज पा रहे थे, मैं गेट बंद कर दूंगी, फिर वे ड्यूटी नहीं जा पा रहे थे। अच्छा, गेट बंद कर देगी फिर वे ड्यूटी नहीं जा पाने के? ना, ऐसा बोलती है ना? हाँ। बोल लो इसे, ऐसा नहीं बोलते? ऐसा नहीं बोलते। नहीं दीदी, ऐसा नहीं बोलते। चलो आओ, आओ बाहर चलते हैं अभी, हैं चलेंगे? हाँ, इसे बोल लो हम तुम्हारे पास नहीं रहेंगे। हम तुम्हारे पास नहीं रहेंगे। हाँ, हम बाहर खेल लेंगे। आप तो चिढ़ाते हो, आप ये कहते हो आपके पापा को ड्यूटी भेज देंगे, हैं ये कोई बात हुई? कौन दिन निकलते ही सबसे पहला काम होता है ये सुबह की दिनचर्या, नाश्ता बनाना और खाना बनाना, बच्चे जो लेके जाएंगे स्कूल। वैसे बड़े वाले दो जा नहीं रहे हैं, आज छोटे वाले जाएंगे, उनकी टाइमिंग थोड़ी सी लेट है, और जिस दिन बड़े वाले नहीं जाते ना, थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए, आराम से बना सकते हैं। नहीं तो चिंकी और गुड्डू का टाइमिंग जो है वो 8:15 बजे का है, और इनका है 8:30 बजे का, तो 15 मिनट का रिलीफ बहुत रहता है इतना तो। दो चीज़ों की फरमाइश होती है हमेशा, कुछ चाय लवर होते हैं, कुछ दूध लवर होते हैं। दूध वाले जो होते हैं वो हल्के लवर हैं, वो ज़्यादा लवर नहीं है टाइट वाले, लेकिन चाय वाले टाइट लवर हैं। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये देखो मैं तो यहाँ देख रहा था पीछे की तरफ और दूध निकाल दिया। आपकी वजह से निकला आई हूं। सब चीज़ों की वजह मैं ही हूं। हाँ, क्या कह रही नंदनी? मेरे बेटे नहीं हो? चल, और न तो आप रसोई में आते, ना ही दूध निकलता। देखो सुबह सुबह नुकसान करवा दिया। सब कुछ ना मेरी वजह से होता है, दूध निकल गया और चाय भी निकलने वाली है, ये भी मेरी वजह से ही निकलेगी। आप रसोई में सब आ जाओ कृपा करके। जा रहा हूँ मैं, रोक लेना दूध और चाय दोनों को। ठीक है, मैं रोक लूँ, कहीं ना निकल पाएंगे। छुट्टी है? हाँ जी, आज है हमारी छुट्टी, और अब मैं नहाने जा रही हूँ, फिर मैं कान्हा जी को नहलाऊंगी, उन्हें तैयार करूंगी, फिर पूजा करूंगी, फिर उन्हें नाश्ता कराऊंगी। ये काम है तेरा? अभी तो मेरा यही काम है, आगे का देखते हैं क्या मिलता है।